नमस्कार। द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शरांग पांडे है। एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्विटर पर एक हैशटैग यू कहें ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग है विज्ञापन के अनुसार स्टेट मार्क्स पर 2019 की बहाली हो, मतलब सातवें चरण की बहाली हो, उसको लेकर। सुजीत हैं हमारे साथ, अभी जुड़े हुए हैं। सुजीत जी स्टेट अभ्यर्थी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया होगी, तो फिर क्यों ट्विटर पर ये लिखना पड़ रहा है कि स्टेट मार्क्स पर ही बहाली की प्रक्रिया हो। हेलो, हाँ सुजीत जी, शशांक पांडे बोल रहे हैं द इंडिया टॉप से। हाँ सुशांक जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ये सवाल ये है कि आप जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि मार्च का महीना जैसे शुरू होगा सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो नियोजन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो फिर भी ट्विटर पर ये ट्रेंड कराना कि मार्क्स बेसिस पे हो, एसटीटी मार्क्स बेसिस पे हो बहाली। देखिए सुशांत जी, जैसे कि आपने अभी विगत आपने एनवीसी पे भी थे तो आपने अपना बात को रखे थे, हम लोग भी अभ्यर्थी थे जो जान रहे हैं कि एसटीटी में जो एग्जाम हुई इसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बहाली का मांग कर रहे थे कि जो भी नोटिफिकेशन में है उसी के अनुसार आप बहाली किया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के जो वक्तव्यों के अनुसार है कि एसटीटी अभ्यर्थी दो खेमे में बढ़ गए थे, एक मेरिट और एक नॉट मेरिट में, तो हम लोग का यही मांग था कि विज्ञापन के आधार पर आप है जो एक सीटी मार्च पे बहाली की, इसीलिए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था। अच्छा अच्छा। तो जब शिक्षा मंत्री अब ये बात किया। हेलो, हाँ सर बोलिए। जब शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं कि मार्च के महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया, मतलब नियोजन में जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो फिर ट्विटर पर ये बात क्यों ट्रेंड कराया जा रहा है? देखिए ट्विटर पर यह सवाल है कि जो भी बहाली प्रक्रिया हो वो जो कि पारदर्शी तरीके से हो, पूरी इसमें कोई भ्रष्टाचार की कोई सीमा न हो। हम लोग ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में आपने देखा है कि नियोजन प्रक्रिया में क्या क्या धांधलियां होते रही है, इसीलिए हम लोग ये पैमा कर रहे हैं कि आप एकेडमिक नंबर बेस पर बहाली न करते हुए आप एसटीटी मार्क्स के बेस पर आप बहाली को आगे बढ़ाए। अच्छा, इसमें देखा जाए कि इसमें जो मेरिट और नॉट मेरिट का है वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा, और जहां तक सर विज्ञापन का भी फॉलो होगा सर, और शिक्षा मंत्री हैं उनके जो भी वक्तव्य जो दिए थे उनकी वक्तव्य भी पूरा होते हुए सही ढंग से इसमें बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। कारण है कि जो भी एसटीटी मार्क्स पे बहाली होगा इसमें है कि नियोजन इकाई के माध्यम से हो या ऑनलाइन सेंट्रलाइज करें, जिस तरह से भी करना है उनको करें, लेकिन जहां तक हम लोग का बस यही एक मुद्दा था, मेन मुद्दा था जो हम लोग रखे थे कि आप विज्ञापन को पालन करते हुए एसटीटी मार्क्स पे बहाली करें और सेंट्रलाइज ऑनलाइन तरीके से करें, पारदर्शी तरीके से होगी बहालियां इसमें। जी, तो यही मांग है और इसको लेकर आप लोग ट्विटर पर हैशटैग विज्ञापन के अनुसार स्टेट मार्क्स पे बहाली हो ये ट्रेंड करा रहे हैं। हम लोग है कि स्टेट मार्क्स पे बहाली हो इसको लेकर हम लोग ने ट्विटर ट्रेंड किया था। आपने देखा है कि लगातार पूरे दिन ये है जो ट्रेंड पूरे देश बिहार के साथ साथ पूरे देश में ये लगातार है जो ये ट्रेंड करते रहे थे, टॉप में ये हैशटैग बना हुआ था। चलिए, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। धन्यवाद सुशांत जी, और साथ साथ आपके चैनल को द इंडिया टॉप चैनल को हम धन्यवाद करते हैं जो हम लोग के मुद्दा को बढ़ चढ़कर अच्छे से उठाए के हैं, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो लगातार एसटीटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डिजिटल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और अब ये ठान चुके हैं कि अपनी नौकरी लेके रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया।